लेकिन इंसान की कुछ और बात है, और जो तुमको पता है वो हमको पता है, यहाँ पर कहाँ बेपता बात है। तो ये पुल हिल रहा है तो क्यों हिल रहा है? तुमको पता है, हमको पता है, सबको पता है कि क्यों हिल रहा है। और मगर दोस्तों वो भी इंसान थे जिनकी छाती पे ये पुल जमाया गया, अब वही लापता है। तो तुमको पता है ना, हमको पता है ना, किसी को पता है कि क्यों लापता है? तो इस जमाने में जिनका जमाना है भाई, उन्हीं के जमाने में रहते हैं हम, और उन्हीं की हैं सांसें, उन्हीं की हैं कहते, उन्हीं खातिर दिन रात बैठे हैं हम। ये उन्हीं का हुक्म है जो मैं कह रहा हूँ, उनके सम्मान में मैं कलम तोड़ दूँ। ये उन्हीं का हुक्म है मेरे लिए और सबके लिए कि मैं हाथ छोड़ दूँ। तो लोग हाथ छोड़ दें पर मैं क्यों छोड़ दूँ? मैं तो हक की लड़ाई का हमवार हूँ। मैं बताऊँ कि मेरी कमर तोड़ दो, मेरा सर तोड़ दो, पर ये ना कहो कि हाथ छोड़ दो। तो आपसे कह रहा हूँ, अपनी जरा अपनी दिक्कत को सबसे जिया कर रहा, मुझको लगता है कि मैं गुनाहगार हूँ, क्योंकि रहता हूँ मैं कैदियों की तरह। मुझको लगता है मेरा वतन जेल है। ये वतन छोड़कर अब कहाँ जाऊँगा? अब कहाँ जाऊँगा जब वतन जेल है? जब सभी कैद हैं तब कहाँ जाऊँगा? मैं तो सब कैदियों से यही कह रहा, आओ उनके हुकुम की उजूरी करें। और पर सब पूछते हैं कि वो कौन है और कहाँ रहता है। मैं बताऊँ कि वो ये जल्लाद है, वो वही है जो कहता है हाथ छोड़ दो। तुम यहाँ से वहाँ तक कहीं देख लो, गांव को देख लो, शहर देख लो, अपना घर देख लो, अपने को देख लो, कि इस हाथ की लड़ाई में तुम किस तरफ हो। आपसे कह रहा हूँ अपनी तरह कि मैं तो सताई हुओं की तरफ हूँ, और जो भी सताई हुओं की तरफ है उसको समझता हूँ कि अपनी तरफ है, पर उनकी तरफ इसके उल्टी तरफ है। उधर उस तरफ आप मत जाइए, जाइए पर अकेले में मत जाइए, ऐसे जाएंगे तो आप फंस जाएंगे। आइए अब हमारी तरफ आइए, आइए इस तरफ की सही राह है और सही क्या है। हम कौन है क्या ये भी नहीं ज्ञात है? हम कमेरों की भी क्या कोई जात है? हम कमाने के खाने का प्रचार ले, अपना परचम लिए, अपना मेला लिए, आखिरी फैसले के लिए जाएंगे, अपनी महफिल लिए, अपना डेरा लिए, उधर उस तरफ जालिमों की तरफ, उनसे कहने की गर्दन झुकाओ चलो, अब गुनाहों को अपने कबूलो चलो। दोस्तों उस घड़ी के लिए अब चलो, और अभी से चलो उस खुशी के लिए जिसके खातिर लड़ाई ये छेड़ी गई, जो शुरू से अभी तक चली आ रही और चली जाएगी अंत से अंत तक। हम गुलामी की अंतिम हाथों तक लड़ेंगे। तो लाल झंडा हर इमारत पर गाड़ा जाएगा और आपके इस धर्म कांटे को उखाड़ा जाएगा। तो एक नया पैमाना होगा, एक नई तहजीब होगी, और समझ में आएगा सबके जिंदगी क्या चीज होगी। तो जिंदगी वो चीज है जिसका कोई सानी नहीं, और जानता हूँ मौत की आंखों में है पानी नहीं, पर क्या रवाए जिंदगी की याद की जानी नहीं। अरे मरते दम तक भी तमन्ना जीने की मानी रही। तो मैं तो कहता हूँ कि ये जीने की कोशिश ठीक है, जीने के लिए पूरी ताकत से लड़ना ठीक है, और मैं बताता हूँ लड़ाई का ये मौसम ठीक है। तो मानता हूँ कि तबीयत आपकी भी ठीक है, पर आदमी को कोसिए मत, आदमी तो ठीक है, और ये हुजूर आला का सिस्टम ही सब भी ठीक है, और इस कदर भी ठीक है कि हो न सकता ठीक है, और मत डरो इसको बदलने का इरादा ठीक है। तो अब तो ये जुल्मी निजामत ढोने के काबिल नहीं, और अब तो ये खूनी हुकूमत ढोने के काबिल नहीं, और इनकी ये तहजीब जहमत ढोने के काबिल नहीं, और इनको उठाकर फेंक पाना भी कोई मुश्किल नहीं, और इसके खातिर चाहिए दिल किया तुम्हारे दिल नहीं, और दोस्तों तैयार रहना पड़ना तुम काबिल नहीं, और काम के सब आदमी हो कोई फादिल नहीं, और अपना हाथ तुम ले न पाओ इतने तो बुजदिल नहीं। और मानता हूँ कि तुम्हारे पास है महमिल नहीं, और पर क्या बना सकते हो अपनी बाहों को साहिल नहीं। तो सोहबतों की बात है, सोहबत बदल देती स्वभाव, और आखिरी मौका है मेरे दोस्तों सूखो न दाव, और चोट पर दर चोट कर, और घाव पर होने दे घाव, और शहर दर जागे शहर, और गांव दर जागेंगे गांव, और मैं तेरा शायर हूँ कर दूंगा मैं पलकों की छाँव। तो मैं तुम्हारी जीत का पैगाम लाया हूँ जनाब, और ये लड़ाई जीत लो ये कहने आया हूँ जनाब। तो आइए हमरा हूँ पहचान लो असरार हूँ, और अच्छा बुरा जैसा भी हूँ लेकिन तुम्हारा यार हूँ। तो वैसा ही हूँ जैसा खड़ा हूँ आप सबके रूबरू, हर मौत को चाहिए कफन, हर जिंदगी को आबरू। तो इसके खातिर अब सड़क पर गोलियां चल जाएंगी, और एक दो नहीं लाखों हजारों डोलियां मिट जाएंगी, और डोलियां थम जाएंगी, और होलियां जल जाएंगी, और मरने वालों की वतन पर गोलियां लग जाएंगी। तो देखना फागन में क्या क्या फूल खिलाएंगे जनाब, और आपकी रंगत के खातिर खून बहाएंगे जनाब, और ओढ़ कर अपना कफन हम लेट जाएंगे जनाब, और इतना तो तस्कीन है हम याद आएंगे जनाब।